हमारा पहला क्वेश्चन है क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन अ गुड ब्रिक अर्थ मस्ट बी एट लेस्ट तो ऑप्शन फर्स्ट बोलता है ट्वेंटी परसेंट ऑप्शन बी बोलता है थर्टी फाइव परसेंट ऑप्शन सी बोलता है फिफ्टी परसेंट या ऑप्शन डी सेवेंटी परसेंट ये जो क्वेश्चन है एस एस सी जे में दो हजार सात में आया हुआ है तो देखिए इसका जो आपका आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा फिफ्टी परसेंट क्ले एंड सिल्ट कंटेंट्स सिलिका क्या है ये प्रीलिमिनरी है मतलब ये सिलिका के ही फॉर्म में होता है तो सिलिका हमारा कितना होता है द सिलिका कंटेंट इन गुड ब्रिक अर्थ शुड भी 50 टू 60 परसेंट होता है इसलिए यहाँ पे हमें ऑप्शन में क्या दिया 50 टू 60 के रेंज में सी नंबर है 50 परसेंट तो यहाँ पे आंसर इसका होगा सी नंबर 50 परसेंट बात करते हैं और सारे गुड ब्रिक अर्थ के कंपोजिशन के बारे में तो यहाँ पे नेम है इस वाले कॉलम में रेंज है सिलिका 50 टू 60 परसेंट होता है एलोमिन 20 टू 30 परसेंट होता है लाइम जो है 10 परसेंट होगा मैग्नीशिया जो कि 1 परसेंट से कम रखना है फेरिक ऑक्साइड जो है आपका 7 परसेंट से कम रखना है एल्कलीज आपको 10 परसेंट से कम रखना है और फिर आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर ट्राईऑक्साइड वाटर तो ये सबका बहुत मिनिमम बहुत स्मॉल परसेंटेज रहता है और इन सबको मिलाकर लेस देन ट्वेंटी परसेंट होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए मेसनरी ब्रिक ब्रिकेज ऑप्शन आपको दिया हुआ है ये क्वेश्चन आपको पूछा है एस एस सी जे में इसी तरह एक और क्वेश्चन है सेम टू सेम द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए मेसनरी ब्रिक ब्रिकेज यहाँ पे ऑप्शन को क्या किया है थोड़ा सा चेंज किया है यहाँ पे सी और डी के पॉइंट वाले में थोड़ा चेंज किया है तो ये आपका क्वेश्चन एस एस में दो में पूछा गया है इसी तरह एक और क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक एस पर इंडियन स्टैंडर्ड ईच ये क्वेश्चन एस एस जे में 2017 में पूछा गया है यहाँ पे भी ऑप्शन को चेंज किया गया है और यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज बस लिख दिया गया है तो इसका आंसर क्या होगा तो देखिए इसका जो आपका आंसर होगा नाइनटी सेंटीमीटर इंटू नाइन सेंटीमीटर इंटू नाइन सेंटीमीटर होता है फॉर इंडिया अब्रीक ऑफ स्टैंडर्ड साइज नाइनटीन सेंटीमीटर इंटू नाइन इंटू नाइन सेंटीमीटर इज रिकमेंडेड बाय द बीआईएस ठीक है विथ मोटार थिकनेस तब आपका साइज क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इंटू टेन सेंटीमीटर इंटू टेन सेंटीमीटर इसको आप बोल भी सकते हैं नॉमिनल साइज ऑफ द मॉडुलर ब्रिक अब यहाँ पे बात करते हैं स्टैंडर्ड डायमेंशन ब्रिक इन इंडिया तो ये यह जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही यहाँ पे डायमेंशन के फॉर्म में है तो इसका जो लेंथ है आपका 190 ठीक है इसका जो थिकनेस है आपका 90 और इसका जो आपका विड्थ है वो भी आपका क्या है 90 आपको फिगर में दिख रहा होगा तो ये आपका क्या स्टैंडर्ड साइज है तो तीनों क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा नाइनटी इंटू नाइन इंटू नाइन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू तो किंग क्लोजर किससे रिलेटेड है तो ऑप्शन ए बोलता है डोर एंड विंडो से ऑप्शन बी बोलता है किंग पोस्ट ट्रस्ट से ऑप्शन सी बोलता है क्विंग पोस्ट ट्रस्ट से या ऑप्शन डी ब्रिक मेसनरी से ये जो क्वेश्चन एस एस सी जे में 2011 में आया हुआ है तो देखिए इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा जो आपका किंग क्लोजर होता है वो ब्रिक मेसनरी से रिलेट होता है यहाँ पे आपको फिगर पे दिख रहा होगा ये आपका ब्रिक का लेंथ है यह आपका यहाँ से यहाँ तक का थीकनेस है और यह इसका विड़थ है तो यहाँ तक के जो पार्ट जहाँ तक का आपको हैचिंग दिख रहा है इस पार्ट को क्या करते हैं कट करते हैं कट करने के बाद का जो आपको दिखता है ये शेप ये जो आपको दिख रही है आपका क्या कहलाता है किंग क्लोज़र कहलाता है कितना कट किए तो, के लेंग लेंग तो लेंथ के अलॉन्ग लेंगे तो वन बाई टू लेंथ के अलॉन्ग और विर्थ के अलॉन्ग भी लेंगे तो वन बाई टू यानी हाफ विर्थ और हाफ लेंथ इन दोनों के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे कट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉसिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन ऑप्शन ए बोलता है थर्टी फाइव के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन बी बोलता है हंड्रेड के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन सी बोलता है सेवेंटी के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या ऑप्शन डी वन फिफ्टी के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो क्वेश्चन एस एस सी में टू थाउजेंड नाइन में दो हज़ार नौ में पूछा हुआ है तो इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा हंड्रेड के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखता है द क्रसिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए फर्स्ट क्लास ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन टेन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर विच इज इक्विवेलेंट टू 100 के पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो आपका न्यूटन पर एम स्क्वायर में बात करें तो 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर होना चाहिए और अगर के पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बात करें तो 100 के पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए इससे कम आपका फर्स्ट क्लास ब्रिक में क्या होना चाहिए क्रसिंग स्ट्रेंथ इससे कम नहीं होना चाहिए ठीक है यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो इस तरह से आपको फिगर में दिख रहा होगा यहां पे आपको क्या है ये ब्रिक को रख करके यहां पे क्रसिंग टेस्ट करते हैं इसके ऑपरेटर्स से ठीक है इसी तरह सेकेंड क्लास के ब्रिक के बारे में बात करते हैं तो इसका जो क्रसिंग स्ट्रेंथ है सेवन न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर एब्जरअपन फोर गुड ब्रिक सुड नॉट बी मोर देन ऑप्शन ए बोलता है टेन परसेंट ऑफ इट्स ड्राइवेट ऑप्शन बी बोलता है फिफ्टीन परसेंट ऑफ इट्स ड्राइवेट ऑप्शन सी बोलता है टेन परसेंट ऑफ इट्स सेचूरेटेड वेट या ऑप्शन डी फिफ्टीन परसेंट ऑफ इट सेचूरेटेड वेट तो ये जो क्वेश्चन एस एस सी जे में दो हजार बारह में पूछा हुआ है तो इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर भी जाएगा 15% परसेंट ऑफ इट्स ड्राई वेट्स यहाँ पे देखिए आपको दो क्राइटेरिया दिया है एक आपका क्या है 20% परसेंट जो आपका है वेट ऑफ ड्राई ब्रिक फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए है सेकंड क्लास के लिए 22.5% परसेंट है थर्ड क्लास के लिए 25% परसेंट है इसके साथ साथ जब आप आई एस कोड वन जीरो डबल सेवन वन नाइन नाइन टू में भी जब आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखता है फिफ्टीन परसेंट बाई वेट फॉर हायर क्लासेस तो इन सब के रिस्पेक्ट से आपका निकल आता है इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा फिफ्टीन परसेंट ऑफ इट्स ड्राई वेट्स तो ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद